शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से मैंने उस पान वाले से सब पता करवा लिया है। वो गुंडा अभी तो छुपा बैठा है, पर हर दिवाली एक जगह ताश खेलने आता है। देखना, इस बार मैं उसे भागने नहीं दूंगा। ये दिवाली हमारे लिए बहुत खास होगी श्रद्धा, क्योंकि इस दिवाली पे उस प्लान, उस परछाई का भी पर्दाफाश कर दूंगा जो इन गुंडों के पीछे छुपा बैठा है। अच्छा, वरुण जी को गहरी नींद आ गई है, हम ना निकल जाते हैं। सुबह सुबह कहाँ जा रही हो इतनी तैयार हो के? वो हम कॉलेज जा रहे हैं। वैसे संडे को कौन सा कॉलेज खुला होता है? संभल के। खुद के कदम संभल नहीं रहे हैं, दूसरों को बोल रही हो। संभल के। थैंक यू। श्रद्धा भाभी। हाँ? आपकी मम्मी आई है मिलने के लिए, नीचे बैठी हुई है। मम्मी आई है? हाँ। मम्मी को तो मना किया था घर से बाहर निकलने के लिए।
कीर्ति, ससुराल और मायके में फर्क होता है बेटा, कितनी बार बताया तुम्हें, पर तुम हो एक कान से सुनती हो दूसरे कान से निकाल देती हो। ये रसोई का क्या हाल बना रखा तुमने? मम्मी, हम सब कुछ संभालने की कोशिश करते हैं, तो पता नहीं सब कुछ खुद ही कैसे खराब हो जाता है। अच्छा ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये नैना जी के लिए लेप लेकर आई हूँ, याद से उनके पैर पे लगा देना, उनको आराम मिलेगा, ठीक है? याद से। और ये मावे का हलवा है, उनको खिलाना। हाँ, और ये काढ़ा, उनको पिला देना, उनको आराम मिलेगा। और याद से पिला देना। हाँ हाँ। मम्मी, मम्मी जी ने ना काली दाल बनाने की फरमाइश की है, आप प्लीज बना दो ना। आप तो दुनिया की बेस्ट काली दाल बनाते हो ना, प्लीज मम्मी। अच्छा ला, कुकर का है? वो तो नहीं पता, कुकर वो रखी हुई है। हे भगवान, माइक्रोवेव के ऊपर कुकर कौन रखता है कीर्ति? इसका तो भगवान ही भला करे। मम्मी, इसके साथ आपके हाथ की बनाई हुई बेस्ट खीर कितनी अच्छी लगेगी, और आपके हाथों की नरम नरम रोटियां मम्मी जी को कितना अच्छा लगेगा। मम्मी, आप बना देंगी ना? वहाँ आटा पड़ा है, और हमारी सब्जी भी देख लीजिए, और प्लीज किचन की भी सफाई कर दीजिएगा, बहुत गंदा हो गया है किचन। कीर्ति, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है मम्मी की तबीयत कितनी खराब है? और अपना काम करवाने के लिए तूने मम्मी को यहाँ भी बुला लिया, तुझे होता क्या जा रहा है कीर्ति? दीदू, हमने नहीं बोला मम्मी को काम करने, मम्मी अपनी मर्जी से कर रही है, बोले ना मम्मी। अरे श्रद्धा, अभी ये सब छोड़ो, अभी तो नैना जी का ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है। अगर इसने कुछ उल्टा सीधा बना दिया ना, तो खाम खा सबको परेशानी होगी। मम्मी, हर बार ये अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती है, हम ऐसे इसे बढ़ावा देते रहेंगे तो ये तो कभी बड़ी होगी ही नहीं। अरे, हमें दाल बनाना नहीं आता, इसका मतलब क्या हम बच्चे हैं? अगर दाल बनानी नहीं आती है तो मम्मी या मुझसे पूछ लेती, दिन भर तो फोन में घुसी रहती है, वहाँ पे एक वीडियो ही देख लेती। दीदू, हमें तो ऐसा लगता है ना, आपको तो बस मौका चाहिए हमें डांटने का। पहले नहीं डांट लगाई ना तुझे, उसी का ये नतीजा है जो तू घर में सबको उल्टा जवाब देने लगी है। कीर्ति, अपनी बड़ी बहन से इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो? अरे, बचपन से लेके आज तक अपनी मनमानी करती आई हो, कम से कम ससुराल में तो थोड़ी शर्म करो। मम्मी, आई एम सॉरी, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये मेरी वजह से ही हो रहा है। आप हमेशा मुझे कहती थी कि मैं इसे सर पे चढ़ा के रखती हूँ, और फिर भी मैं इसी की साइड लेती थी, पर अब मैं अपनी गलती सुधारूंगी। तू हर काम से अपना पल्ला झाड़ देती है, आज तूने अपना ये काम मम्मी को पकड़ा दिया, इतनी क्यों गिरती जा रही है तू कीर्ति? मम्मी, दीदी झूठ बोल रही हैं। मम्मी, आप ये सारा काम छोड़िए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए, जो जिसका काम है वही करेगा। ये मेरी गलती थी जो आज तक तेरी गलतियों पर मैं पर्दा डालते आ गई, पर अब नहीं, अब तेरा काम तू ही करेगी। आप चलिए। कर लेंगे हम सब, अब आता है हमें। मम्मी, आप प्लीज डॉक्टर के पास जाइए, आपकी खांसी कितनी बढ़ गई है। हाँ, लो वरुण आ गया, इससे मिलके जाती हूँ। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते, खुश रहो बेटा, कैसे हो? बढ़िया। आप जा रहे हैं?
थोड़ी देर हमारे साथ भी बैठी ना। अरे बस बेटा, नैना जी से मिलने आई थी और दिवाली की बधाई भी देनी थी, फिर किसी दिन आराम से आती हूँ। और बबलू भी अकेला है घर में। तो आइए, मैं आपको गाड़ी में छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, पास में तो जाना, मैं चली जाऊंगी। पक्का? हमें आप जरा सी भी चिंता मत कीजिएगा और प्लीज अपनी सेहत का ख्याल रखिए। नमस्ते। वरुण जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। वरुण जी, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि कीर्ति को आप जैसा पति मिला जो उसे इतना प्यार करता है, और आपने भी अपना पति धर्म बहुत ही शिद्दत से निभाया है। लेकिन इस वक्त एक माँ को उनके बेटे की ज्यादा जरूरत है। मतलब? बस इतना ध्यान रखिए कि कीर्ति अपनी जरूरतें और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझे और उन्हें निभाए भी। अभी ताई जी और पूरे परिवार को उनके बेटे और बहू का साथ चाहिए। दिवाली का वक्त है, ऐसे मौके पर कोई भी अड़चन नहीं आनी चाहिए, इसलिए आपको कीर्ति को समझाना होगा कि अब वक्त आ गया है कि वो अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपना बहू धर्म और अपना पत्नी धर्म दोनों अच्छे से निभाए। खाना बन गया होगा ना रितु? अब जी भाभी, बन गया है। कभी नहीं सोचा था कि दिवाली पे हमारे घर की रौनक ही गायब हो जाएगी। ना फूलों की लड़ी लगी है, ना रोशनी की लड़ियां लगी हैं, एक दिया तक नहीं जल रहा। भाभी, ऊपर तनुजा भाभी के यहाँ पे तो दिवाली हमेशा ऐसे ही मनती है। हमारा मतलब है बिना हमारी मदद के। अब हमें क्या पता कि यहाँ पे आपकी वो जगमग वाली लाइटें काहे गुल है। भाभी ये लीजिए दिए, और यहाँ घर में भी लगा दीजिए। अरे अबे, मिर्ची लाइट ऑन तो कर। बस पापा, एक सेकेंड। अब लग रही है ना दिवाली की सजावट। देख मैं जो फूल लगाए कितने अच्छे लग रहे हैं। मिर्ची तो मैंने लगाई। अरे तो झगड़ क्यों रहा है, ये ले, बाहर भी सजाना है। सोनिया, घर देखो कितना जगमगा रहा है ना, बिल्कुल ऐसे जैसे बचपन में लगता था। हाँ, और इसका सारा श्रेय जाता है तुम्हारी श्रद्धा भाभी को, जिसकी वजह से आज पूरा परिवार साथ में दिवाली मना रहा है। हाँ, बस आपको मौका मिल गया बहू गुणगान करने का। श्रद्धा, दिए तो लग गए हैं, अब तुम इन्हें जला भी दो, ठीक है? रितु, कम से कम एक दिया ही जला लीजिए, आखिर तो किस्मत में होगी वैसे दिवाली मन जाएगी। भाभी, ये क्या बात हुई? आपकी तकलीफ में सिर्फ और सिर्फ हमने आपका साथ दिया है, और आप हमें ही दो बातें सुना रही है। अरे जिसकी पहली दिवाली है इस घर में, आपकी लाडली बहू कीर्ति, उसे भी कुछ कह दीजिए। बिल्कुल सही बात की आपने बुआ जी। मम्मी, आप चिंता मत कीजिए, कीर्ति की पहली दिवाली बहुत ही धूमधाम से मनेगी। और देखिए, कीर्ति आपके पैरों के लिए लेप लेकर आई। इसकी कोई जरूरत नहीं है वरुण, हम बिल्कुल ठीक हैं। बस आप थोड़ी सी घर की सजावट कर लीजिए और दिए जला दीजिए। मम्मी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, लेप भी लगेगा और दिए भी जलेंगे। भाभी, आप ये दिए कहाँ लेकर जा रहे हो? सोच रही हूँ कुछ दिए नैना ताई जी के पास भी जला दूँ। भाभी, वो क्या है ना कि श्रद्धा, बिल्कुल ठीक कर रही हो तुम, थोड़े और दिए ले जाओ ना, और ये तेल भी ले जाओ, पूरा घर ऊपर नीचे दियों से जगमगा जाएगा। हाँ श्रद्धा, रुको, आओ इधर।
रखो यहाँ पर, आओ रखो। चलो। क्या यार तूने क्यों रोका मुझे? फालतू में त्योहार के दिन भी भाभी को डांट पड़ जाएगी। बताने देती ना कि हम लोग ताऊजी और ताईजी के साथ दिवाली नहीं मनाते। तू ना आजकल बड़ा भाभी भाभी करती है, और वैसे भी त्योहार में जब तक ड्रामा ना हो तब तक मजा कैसे? तू ना सच में कभी कभी बहुत हद कर देती है। मेरे रास्ते में आने का नतीजा तुम्हें हर मोड़ पर दिखाऊंगी श्रद्धा, अब हर मोड़ पर हद पार होगी। श्रद्धा की पहली दिवाली है तो उसे आंटी से कुछ तौर तरीके सीखने चाहिए कि नहीं बताओ। और तू ना बस मजे लिया कर भेजा। तुम्हें बहुत मजा आता है ना बार बार हमारी बात काटने में? नहीं मम्मी जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस बस गलती हमारी है जो हमने तुम्हें सच्चाई से दूर रखा। तो लो आज तुम सच्चाई सुन ही लो कि क्यों ये दो परिवार भले एक ही मकान में रहते हैं पर एक भी त्योहार एक साथ नहीं मनाते हैं। नैना भाभी और हम एक ही मोहल्ले में पले बढ़े, पर नैना भाभी की माँ गजब खड़ूस थी। अरे अपने घर का सारा कूड़ा हमारे घर के सामने फेंक देती थी, अरे यहाँ तक कि पेड़ से झड़े पत्ते भी। और हमारे घर का एक भी तिनका अगर उनके घर पे गिर गया तो हे भगवान पहाड़ उठा लेती थी अपने सर पे। लेकिन फिर भी हमने नैना भाभी के लिए कोई भी गिला शिकवा नहीं रखा अपने दिल। लेकिन नैना भाभी निकली अपनी माँ की बेटी। तो क्या नैना ताई जी का आपके प्रति हमेशा से ऐसा ही व्यवहार रहा है? नहीं हमेशा से तो नहीं था। क्या है ना कि नैना भाभी और हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, और एक दिन ना गली के कुछ लफंगे हमें छेड़ने लगे तो नैना भाभी ने उनकी खटिया ऐसी खड़ी की कि वो धूम दबा के वहां से भाग ही गए। हमको अभी भी याद है। और क्या क्या करती थी ताई जी? और क्या क्या करती थी हमको याद है, जब भी हमारी तबीयत खराब होती थी ना तो हमारे सर पे गीली पट्टी सबसे पहले नैना भाभी ही लगाती थी, जो किसी को सेवा करने का मौका ही नहीं देती थी। जब तक हमारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक हमारे बगल में ही बैठी रहती थी। और ये? अरे फिर क्या, फिर हम दोनों बहू बन के आ गए इस घर में और नैना भाभी अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दी। अलग चूल्हा अलग त्योहार अलग तीज, इसीलिए हम दिवाली भी अलग अलग ही मनाते हैं। हाँ तुम सोच रही होगी कि तुम्हारी सास कितनी कठोर है ना, उन्हें नैना भाभी का दर्द दिखता ही नहीं है, मगर ऐसा नहीं है। हमें भी मन करता है कि हम उनके लिए गोंद के लड्डू बनाएं, उनके पैरों की मालिश करें, लेकिन हम रुक जाते हैं क्योंकि हमको पता है नैना भाभी को फिर मौका मिल जाएगा हमको बेइज्जत करने का, और अब हमसे ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ और अब जब तुमको सब कुछ पता चल ही गया है और फिर भी तुमको नीचे जाना है तो जाओ, पर हमारी बला से। मम्मी जी आज आप दोनों के बीच का प्यार भी समझ आ गया और दूरियां भी। दिवाली का त्योहार ही तो परिवारों को जोड़ता है, और अब मेरी भी यही कोशिश रहेगी कि इस दिवाली के बाद आने वाली हर दिवाली ये दो परिवार साथ मिलकर ये रोशनी का त्योहार मनाएं, ताकि रिश्तों की चमक और ज्यादा दिखे। श्रद्धा अगर तनुजा को पता चल गया ना कि आप हमारे घर में ऐसे दिए लगा रही हैं
तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। और ऐसे भी किसी के भलाई के लिए बोला गया एक झूठ ना 100 सच से भी आगे निकल जाता रेस में। ताई जी, ताई जी आप फिक्र मत कीजिए, ये तो मम्मी जी का ही आइडिया था कि मैं आपके यहाँ पर भी दिए सजा दूँ। आप कहेंगी और हम मान लेंगी। तनुजा आपको कहे कि आप हमारे घर में दिए लगाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। झूठ मत बोलिए, वो ऐसा कभी नहीं कहेंगी। नहीं नहीं ताई जी, मैं तो बस देखिए श्रद्धा, तनुजा के मन में हमारे और हमारे इस रिश्ते के लिए जो नफरत है ना, वो पत्थर की लकीर बन गई है जो कभी मिट नहीं सकती। और इसीलिए वो आपको हमारे घर में दिए लगाने के लिए कभी नहीं कहेंगी। नहीं ताई जी, आप गलत समझ रही हैं। उल्टा मम्मी जी ने तो मुझे आप दोनों के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें ही बताई हैं। उन्होंने तो मुझे ये तक बताया कि कैसे कॉलेज के दिनों में जब लड़के उन्हें छेड़ते थे तो आप उन्हें उनकी नानी याद दिला देती थी। हाँ तो और क्या करते, वो लड़के तनुजा को परेशान कर रहे थे। हमने भी ऐसा सबक सिखाया ना कि पलट के कभी भी हमारे मोहल्ले की तरफ नहीं देखा उन्होंने। लेकिन ये सब आपको तनुजा ने बताया, याद है उनको वो दिन? हमें तो याद है, पर पता नहीं नैना भाभी कैसे उन दिनों को भूल गई हैं। जब हम खास अपने घर से उनके नाम का अलग से टिफिन ले जाया करते थे। मम्मी जी आप गलत समझ रही हैं। नैना ताई जी तो उल्टा ये बता रही थी कि कैसे एक बार उनकी शरारत का जिम्मा आपने अपने सर पर ले लिया था और उनके हिस्से की कुटाई भी आप ही ने खाई थी। नैना भाभी जितनी गुस्सैल लगती है ना अब, उतना नहीं हुआ करती थी। और हमारे लिए कुटाई खाना उनके लिए कोई खास बात भी नहीं था। अरे हमको तो याद है कैसे एक बार वो आम के पेड़ पे चढ़ गई थी खास हमारी आम तोड़ने के लिए, और फिर माली ने जो उन्हें दौड़ाया था याद है हमें वो दिन। लेकिन अब ये सब उन यादों का हिस्सा है जो कभी वापस नहीं आ सकती, ना वो रिश्ता, ना वो प्यार, ना वो दोस्ती, ना परवाह बची है। परवाह नहीं होती तो आपकी सेहत के लिए अपने हाथों से गोंद के लड्डू बनाकर भेजती। ये लड्डू तनुजा ने बनाए हमारे लिए? रुकिए एक मिनट, हम अभी आए, तनुजा भी ना हैरान रह जाएगी। अरे हैरानी तो हमें हो रही है कि हमारी पसंदीदा मठरी नैना भाभी खास हमारे लिए भेजी है। और सिर्फ मठरी ही नहीं मम्मी जी, ये खुशखबरी वो खुद देने आ रही हैं कि इस साल वो दिवाली आप सबके साथ मिलकर मनाएंगी। क्या नैना भाभी ऊपर आ रही हैं हम सबके साथ दिवाली मनाने? हम भी देखते हैं कि वो यहाँ कैसे पधारती। हाँ मुझे आप लोगों को उस रात के बारे में बताना है। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उस रात उसके जिम्मेदार वरुण जी। श्रद्धा ये आप क्या कह रही हैं? उस रात जो कुछ भी हुआ हम सब ने देखा। क्योंकि वरुण जी कीर्ति को पसंद करते थे और वो इससे ही शादी करना चाहते थे। मैंने वरुण जी उस गुंडे को खुद पैसे देते हुए देखा है जिसने उस रात मेरे साथ। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।